हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से 49,568 रिजल्ट के संबंध में जो खबर है मित्रों, आप लोगों के लिए कि आखिरकार लेट क्या हो रहा है कि आपका रिजल्ट जिसकी वजह से अभी तक नहीं आया हुआ है। रिजल्ट आना था ये आपके मार्च के मंथ में, लेकिन अभी आपका जून जो है आधा बीत चुका है, अभी तक रिजल्ट का कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सटीक प्रूफ नहीं मिल पा रहा है कि रिजल्ट में रिजल्ट आएगा। तो इसकी क्या वजह है, सबसे बड़ी वजह क्या है रिजल्ट लेट होने की, हम पूरी खबर आपको बताएंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, पूरी चीज़ें मैं आपको सबूत के साथ आपके समक्ष रखूँगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी चुनौती जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के संबंध में हो, सबसे पहले आप तक राहुल वाई फाई चैनल के माध्यम से जरूर पहुंच सके। मित्रों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से डेली 1,000 रुपये तक की इनकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपको आपके लिए बहुत ही बेहतर ऐप लेकर के आ चुका हूँ। जी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप उसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। साथ में वहाँ पे एक कोड भी दिया होगा, उस कूपन कोड को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, आप डेली अतिरिक्त 200 रुपये की इनकम कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं खबर में, पूरी हम लेते हैं लेट लतीफ़ी की क्या वजह है सबसे बड़ी, विथ प्रूफ आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से मित्रों आप लोग देख सकते हैं, नए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए करना होगा लंबा इंतजार। तो सबसे बड़ी वजह मित्रों जो आप लोगों की है यही है कि आप अभी तक जो है पुलिस विभाग के पास ट्रेनिंग की जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से आपकी प्रक्रिया अभी लेट हो रही है। पूरी खबर हम देख लेते हैं विस्तार से, आपके समक्ष है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। सिपाही भर्ती 2013 प्रशिक्षण के लिए खाली नहीं है ट्रेनिंग सेंटर। तो जो सबसे बड़ी वजह है देख सकते हैं आपकी, हाल ही में घोषित 2013 सिपाही भर्ती के शेष परिणाम में चयनित 2,088 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खाली ना होने से यह स्थिति बनी है। प्रशिक्षण निदेशालय के केंद्रों पर 2018 सिपाही भर्ती के चयनित 41,520 अभ्यर्थियों में से 23,238 अभ्यर्थियों का 6 माह का प्रशिक्षण चल रहा है, और यह प्रशिक्षण 2 दिसंबर को पूरा होगा। इसके बाद ही इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो है 41,520 भर्ती में से 23,238 का 6 माह का प्रशिक्षण चल रहा है, जो 2 दिसंबर को कम्प्लीट होगा। उसके बाद बाकी बचे हुए जो पोस्ट के लिए हैं 41,500 में से 20 में से उनका जो ट्रेनिंग होगा, साथ में 2088 जो अभी चयन किए गए हैं, 2018 में समायोजित किए गए हैं, उनका भी ट्रेनिंग होगा। तो इस वजह को इस जो है इसको ध्यान में रखते हुए आप ये देख सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ने 2013 के सभी लंबित मामलों को निस्तारित करते हुए 2088 भर्तियों का अंतिम परिणाम 10 जून को घोषित किया था। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में चयनित अभ्यर्थियों की सूची डीजीपी मुख्यालय को भेज दी है। यहाँ से यह सूची प्रशिक्षण निदेशालय को भेजी जाएगी, जहाँ ट्रेनिंग की रूपरेखा तय की गई है। प्रशिक्षण निदेशालय के एडीजी संजय तरडे ने बताया कि अब तक इन 2088 अभ्यर्थियों की सूची नहीं मिली है। सूची मिलने पर डीजीपी के निर्देशन आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर से पहले प्रशिक्षण होना मुश्किल है। तो आज आप देख सकते हैं जो 2088 चयनित हुए हैं उनका जो प्रशिक्षण दिसंबर 2019 तक होना मुश्किल है, उसके बाद ही प्रशिक्षण होगा मित्रों। तो जो सबसे बड़ी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 41,520 का भी तो ट्रेनिंग पूरा नहीं हो पाया, साथ में 2088 जो है 2013 के बच्चे जो पास आउट हुए उनका भी ट्रेनिंग बाकी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मान के चलिए रिजल्ट अभी आपका लेट आएगा, और उत्तर प्रदेश प्रवृत्ति बोर्ड इसीलिए थोड़ा अभी जो है सुस्त भी है कि ट्रेनिंग अगर आपको पास भी कर दिया जाएगा, सभी प्रक्रियाएं आपकी 2 से 3 महीने में पूरी कर ली जाएंगी, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लगभग 1 से 1.5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है अभी आपका जो है रिजल्ट भी लेट आएगा। तो देखते हैं, हमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।